हेलो गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि गाइस इस टॉपिक पे हर कोई मेरे से कमेंट में और इंस्टा पे पूछते थे गाइस कि इस प्रकार का लोगो कैसे बनाते हैं गाइस, कि जैसे कि अपने जीपी कुछ भी का हो और चैनल का लोगो कैसे बनाते हैं। तो गाइस मैं आज इसी टॉपिक पर वीडियो लाया हूँ। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि गाइस इस वीडियो में बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा गाइस, वो अभी पिक्सआर्ट की मदद से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते गाइस। तो गाइस आपको सबसे पहले इसे करने के लिए तो आपको फ़ोन में पहले पिक्सआर्ट ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास पिक्सआर्ट ऐप नहीं है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और गाइस पिक्सआर्ट आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको कर लेना है पिक्सआर्ट ऐप को हमें ओपन। तो मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने जो ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है आपको इसे क्लिक कर लेना है। फिर क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करना है आपको, प्लस पे। यहाँ पर आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कोई सा भी एक पेज को सिलेक्ट कर लेना है। पेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमको एरो पे क्लिक करके यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। देन अपना जो पेज है ये पिक्सआर्ट में ओपन हो गया है। और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है जो हमारा लोगो का बैकग्राउंड कलर हो तो वह कैसा होना चाहिए और कैसा अच्छा लगे। तो जो आपको अच्छा कलर लगे वो सिलेक्ट कर लेना, बट मैं अपना फेवरेट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस मैं यहाँ से स्काई ब्लू वाला कलर सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से कर दूँगा डन। डन करने के बाद गाइस यहाँ पर जो ये वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ये सर्कल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सर्कल वाले पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो गाइस यहाँ पर फिल अप का ऑप्शन दिखेगा, आपको फिल कर लेना है। तो गाइस फिल करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा, तो इसे कर देंगे डन। डन करने के बाद इसे आप जहाँ भी आप अपना फिंगर रखोगे वहाँ पर आपको ये सर्कल बन जाएगा गाइस। तो इस प्रकार से आपने सर्कल बना लेना है और अपनी तरफ से इसे कर लेना है यहाँ पे सेट। पूरा लोगो की साइज में इसे हम सेट कर लेंगे पूरा। तो मैं ऐसे कर लूँगा। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर इस वाले आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है, कोने वाले ऑप्शन पे, जैसे कि ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो गाइस कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये जो वाइट वाला पेज है हमको इसे कर लेना है यहाँ से डिलीट। तो मैं यहाँ से डिलीट कर लूँगा। डिलीट करने के बाद गाइस देख सकती है जो लोगो का हमारा पूरा साइज है ये फिक्स हो चुका है। तो गाइस अब यहाँ से ये डन हो चुका है। तो गाइस हमें इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे और एरो पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक नीचे में एडिट इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस हमें इसे क्लिक करेंगे, तो मैं इसे क्लिक कर लूँगा। इसे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका ये पूरा लोगो बन चुका है। बस इस पे हमें जो करना है अपना लोगो लगाना है, जैसे कि जीपी एडिटर जो भी टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, जो भी आपका नाम हो चैनल का। तो गाइस स्क्रॉल करके हम आ जाएंगे इसके लिए नीचे। नीचे में आएंगे तो गाइस यहाँ पर टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये पिक्सआर्ट में, तो इसे आप क्लिक करेंगे। तो मैं इसे क्लिक कर लूँगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप जो आपको चैनल है उस चैनल का नाम का अपना टाइप कर लेना है। मैं यहाँ से टाइप कर लूँगा अपना जीपी एडिटर का। टाइप करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो आपको फॉन्ट्स के ऑप्शन दिख रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पर आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, वो भी पिक्सआर्ट में आपको फ्री में अवेलेबल ये सारे हैंगे पिक्सआर्ट में। तो गाइस आप देख सकते हैं कोई सा भी आप फॉन्ट्स अपना यूज़ कर सकते हो गाइस, बट मैं आपको गाइस ये फॉन्ट्स अपना वाला जो फेवरेट है मेरा, तो मैं गाइस वो वाला फॉन्ट्स यूज़ करूँगा जो कि ये रहा, देख सकते हैं गाइस ये वाला, बट मैं यूज़ करूँगा। तो गाइस आप अपनी मर्जी से अपना फेवरेट कोई भी फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मैं अपना फिलहाल के लिए तो अभी ये यूज़ कर लूँगा। इसे यूज़ करने के बाद गाइस यहाँ पर हमें अब कलर्स करना है। तो कलर वाले आपको सेकेंड नंबर पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कलर्स का, आपको इसे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगा कलर्स के ऑप्शन पे, फिर ग्रेडिएंट पे क्लिक करेंगे सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पे, तो मैं इसे कर लूँगा क्लिक। यहाँ पर आपको ये कलर कोई सा भी आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइज़ मैं अपनी मनमर्जी का यहाँ से कोई कलर यूज़ कर लूँगा, आप भी कोई अपनी मनमर्जी का ये कलर यूज़ कर लेना। तो मैं इसे कर लूँगा। देख सकते गाइज़ ये कलर यूज़ करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में गाइज़, ये जो टेक्स्ट है।
और गाइस इसे करने के बाद गाइस अपनी तरफ से यहाँ से अपना मेंटेन भी कर सकते कलर को ऊपर नीचे गाइस। देन गाइस यहाँ पर कलर सेट करने के बाद गाइस मैं यहाँ से एक स्टैक्स का एक शैडो क्रिएट करूँगा जिसके बिना अधूरा रहेगा नहीं तो ये। तो गाइस देख सकते हैं इस प्रकार से आप शैडो भी बना लेना। शैडो पे क्लिक करके गाइस यहाँ पे और ये थर्ड नंबर पे एक पोजीशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो गाइस देख सकते हैं शैडो जो है अपने आप ही आपके जो टेक्स्ट है इसके पीछे बन गया। तो शैडो से लग रहा है गाइस कि ये टेक्स्ट जो है कि ये जो हमारे जो हवे में उड़ के आ रहा है गाइस तो मार ही देगा ये गाइस। तो गाइस इसी प्रकार से आप देख के कर लेना गाइस और शैडो के बिना अच्छा नहीं लगता। तो गाइस शैडो से और भी अच्छा बन गया। तो गाइस अब गाइस इसी प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट एक और ले लूँगा जो कि एडिटर लिखा होगा। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल में जैसा कि आप मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हो जीपी एडिटर लिखा है। तो गाइस इसका फुल फॉर्म गुरु फोटो एडिटर है। तो गाइस आपका कोई भी हो गुरु फोटो चाहे कोई भी चैनल हो तो उसका शॉर्टकट से ये ऐसे ही बना सकते हो। तो गाइस मैं सेम टाइप इसे भी कर लूँगा कुछ इस प्रकार से जैसा कि ये मैंने करा था। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा क्योंकि गाइस आपने सीख ही लिया है। तो गाइस इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आपका गाइस। सो इसे भी करने के बाद गाइस यहां से आपको सिंपली कर देंगे डन। और डन करने के बाद गाइस यहाँ से मैं एक PNG ऐड करूँगा जो कि मैंने वो खुद से PNG बनाया है और आपको वो PNG कहीं नहीं मिलेगी गाइस। तो PNG मैंने खुद से बना रखा है। अगर आपको अगर ऐसा PNG नहीं बनाने आता गाइस ये टैक्स का जो एक PNG है मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको ऐसा PNG बनाने नहीं आता तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला दूंगा गाइस। और गाइस आपको इस प्रकार से ऐड कर लेना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय दोस्तों। आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और गाइस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगी गाइस मेरी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और गाइस मैं हमेशा इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो लाते रहता हूँ गाइस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि गाइस हमेशा मैं इसी तरह की टॉपिक पर वीडियो लाते रहता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो गाइस आप थे गुरु फोटो एडिटर के चैनल में और मेरा नाम है अभिषेक। तो फिर मिलेंगे गाइस आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय दोस्तों।